आपका टेक लवर के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक आसान सा तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने राउटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने वाईफाई को। तो ये तरीका बहुत ही आसान है जिसकी मदद से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं बाहर या आपका अपना राउटर का पासवर्ड भूल गए अपने वाईफाई का, तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आज हमारे पास ये टीपी लिंक का राउटर भी है जिसकी मदद से हम आपको ये दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं असलियत में। कोई बता के हम बताने नहीं वाले, तो हम आपको ये दिखाने वाले हैं। तो देखिए, आज हमारे पास ये फ़ोन है सैमसंग का जिसकी मदद से हम आपको ये बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप वाईफाई कनेक्ट। तो पहले हम जाते हैं वाईफाई के इस ऑप्शन पर, और ये दिखा रहा है हमारा ये टीपी लिंक के वाईफाई का कनेक्शन बता रहा है। यहाँ पर देखिए टीपी लिंक 73F782 ये दिखा रहा है, और हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, और हम आपको इसे बिना कोई पासवर्ड डाले कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो आप ये जानते होंगे कि आपके वाईफाई के इस ऑप्शन बटन पर एक ऑप्शन होता है WPS पुश बटन, जिसकी मदद से ही हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वाईफाई को। तो यही बटन है, यही ऑप्शन है जो बहुत आसान है। सॉरी, हमने दूसरा दबा दिया, देखिए। तो अगर आप में ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा फ़ोन है, तो आप में ये आइकॉन बन के आया होगा कहीं भी वाईफाई के पे आप सेटिंग में जाते ही, तो ये आपके ऐसा आइकॉन बन के आएगा जिस पर क्लिक करते आपका ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है जिसके मदद से हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके राउटर में ये बटन कहाँ है। यही है वो WPS पुश बटन, जिसको दबाए रखने से ही आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये राउटर है, इसमें नेट भी अवेलेबल है अभी। तो ये देखिए, इसी का ये पुश बटन है। तो आपको करना ये है कि आपको इस बटन को दबाए रखना है, और उसी समय आपको ये WPS पुश बटन को भी दबाना है। तो हम आपको ये दिखाएंगे। तो ये हमने इस पुश बटन को दबा दिया है, और दबाते हैं के बाद ही, तुरंत बाद ही हमने इस WPS पुश बटन को भी दबा दिया है। तो देखिए ये, और इसने देखिए तुरंत ही कनेक्ट कर लिया है हमारे वाईफाई को। अब अपने बटन को छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, देखिए ये कनेक्ट हो गया है, और हम आपको कोई चीज़ ब्राउज करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये YouTube स्टार्ट कर दिया है, देखिए ये दिखा रहा है कि वाईफाई कनेक्ट है। तो ये देखिए नेट चल रहा है बिल्कुल आराम से। ये कोई टेम्प्ररी तरीका नहीं है, इससे आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। तो जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए एक लॉक का साइन है, ये ब्लिंक होने लगेगा, ये लाइट भी जलने लगेगा, जो बताता है कि किसी ने WPS पुश बटन से आपके मोबाइल को कनेक्ट किया है। तो आप करना है कि अगर आपको ये लाइट भी बंद करना है, तो एक बार अपने राउटर को बंद करके वापस ऑन कर दीजिएगा, तो ये बटन भी ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा कि आपने अपने राउटर को मोबाइल से कनेक्ट किया है। तो हम किसी चोरी एरी के, मतलब हम आपको बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप जाइए और किसी का से वाईफाई का पासवर्ड निकाल लीजिए, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं जो कि बहुत आसान है, जो कभी इमरजेंसी में या कभी आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको काम आएगा। तो आपका टेक लवर के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे को बताने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।